लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। सलमान खान और अनिल कपूर के रिश्ते कितने गहरे हैं यह तब ही साबित हो गया था जब उन्होंने रेस 3 उन्हें ऑफर की। ऐसा तब हुआ जब बतौर को प्रोड्यूसर उन्होंने खुद यह फैसला किया था कि रेस फ्रेंचाइज की पिछली दो फिल्मों में काम कर चुके किसी भी एक्टर को रेस 3 में जगह नहीं मिलेगी। फिर भी सलमान के कहने पर ही अनिल को फिल्म में कास्ट किया गया। मगर दूसरी तरफ सलमान खान ने अनिल कपूर के बड़े भाई और मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से दूरी बना ली है। बोनी कपूर सलमान खान के साथ अपनी दो फिल्मों का सीक्वेल वांटेड 2 और नो एंट्री में एंट्री बनाना चाहते थे, मगर सलमान ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए तारीखें ही नहीं दी। अब एक्टर ने साफ कर दिया कि वे ये फिल्में करेंगे ही नहीं। अपने हालिया इंटरव्यू में सलमान ने कहा, जिस तरह मैं करियर की शुरुआत में एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग करता था वैसा ही कुछ फिर करने जा रहा हूँ। अली अब्बाज जफर की फिल्म भारत, अरबाज खान की दबंग 3 और सोहेल खान की शेर खान की शूटिंग शुरू करूंगा। आप उस तरफ है। जब सलमान खान से पूछा गया कि वह बोनी कपूर की फिल्मों की शूटिंग कब शुरू करेंगे तो उन्होंने कहा, फिल्म वांटेड और नो एंट्री का कोई सीक्वेल नहीं बनने वाला। मैं कोई फिल्म तभी साइन करता हूँ जब उसकी कहानी मुझे फौरन पसंद आ जाती है। वहीं जब बोनी कपूर से पूछा गया कि सलमान खान उनकी फिल्म क्यों नहीं करना चाहते तो उन्होंने कहा, सलमान का बयान आप सुन चुके हैं इसलिए आपको उनकी बातों पर यकीन करना चाहिए। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने स्क्रिप्ट का बहाना बनाकर बोनी कपूर से कनी काट ली है। असल में वे अर्जुन कपूर को सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों अर्जुन कपूर और सलमान खान की एक्स भाभी मलाइका अरोड़ा के अफेयर की खबर आई थी। कहा जाता है कि अरबाज खान और मलाइका का तलाक भी अर्जुन कपूर की वजह से ही हुआ था, इसलिए सलमान खान अर्जुन कपूर से नाराज हैं।